सिनेमा घरों में एक साथ में फिल्म आने वाली है स्ट्रीट डांसर एंड आपकी पंगा, तो पंगा होने वाला है, सो आप बताइए आप लोग इस पंगे के लिए कितना रेडी हैं? श्रद्धा मेरी, मतलब शी इज रियली क्लोज टू मी, शी इज ऑलमोस्ट लाइक अ डॉटर. अब भी नितेश की फिल्म में उसने काम किया, शी इज अ फ्रेंड. वरुण इज अ रियली डियर फ्रेंड. आई थिंक इस जमाने में वी कांट कम्पीट विद ईच अदर, वी ऑल आर को एग्जिस्टिंग, और हम सबको सबकी फिल्मों के लिए वी जस्ट हैव टू प्रे एंड मेक श्योर दैट आर इंडस्ट्री फंक्शन. सो ऑल फिल्म हैव टू डू वेल, नहीं तो बॉक्स ऑफिस नहीं चलेगी तो प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे हमारे लिए. सो एवरी फिल्म हैज़ टू डू वेल. एंड जितने थिएटर्स है हमारे, अगर कोई और ज़्यादा थिएटर्स बन जाए हमारे देश में तो बहुत अच्छा होगा, चाइना की तरह विजय, ताकि हर फिल्म एक नई सिंगल रिलीज मिले. अब वो जमाना गया, अब सिंगल रिलीज का कोई मौका नहीं है, पर जब दो फिल्में साथ में आती है तो वी शुड जस्ट encourage and rejoice each other's films. Ashwini, hi. Aapka take, I think I am, honestly, I am just very happy that they are both not of the same nature. कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती. लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है. स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है, सो विच इज़ a kind of a relief. I would love to have a solo release, to be honest. Magar, like Ashwini ji said, this is now a far-fetched dream.